जोमेटो के लेटेस्ट विज्ञापनों में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ जैसे सुपरस्टार्स नजर आए, जिस पर कंपनी को काफी आलोचना और विवाद झेलना पड़ा। सोशल मीडिया पर जोमेटो को काफी ट्रोल किया गया, जिसके बाद अब जोमेटो ने एक बयान जारी किया है। कंपनी ने लिखा है, हमने ये विज्ञापन अच्छी नीयत से बनाई थी, जिसे कुछ लोगों ने गलत तरीके से ले लिया है। जोमेटो के इन दो विज्ञापनों में दिखाया गया कि डिलीवरी बॉय सुपर हीरो की तरह होते हैं और ऋतिक कैटरीना जैसे सितारे भी उनके प्रभावित हैं। क्या हुआ विवाद? इस विज्ञापन को लेकर लोगों का कहना है कि ऐसे समय में जब डिलीवरी बॉय कम सैलरी और काम करने की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जोमेटो अपनी छवि चमकाने के लिए इतने महंगे सुपरस्टार्स के साथ विज्ञापन पर पैसे बहा रहा है, इससे अच्छा तो वो अपने डिलीवरी बॉय की सैलरी बढ़ा दे। जोमेटो का बयान। इस विवाद को लेकर अब जोमेटो ने एक बयान जारी कर कहा है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और वो अपनी साइट पेश करना चाहेंगे। हमने एक हफ्ते पहले नए टीवी विज्ञापन जारी किए और उसके बारे में मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे टीवी विज्ञापन हमने महंगे सेलिब्रिटीज को विज्ञापन में इसलिए लिया ताकि सैलरी, वर्किंग कंडीशन जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। लोगों ने लगाया आरोप। जोमेटो ने कहा है कि हम पर आरोप लगे हैं कि हमारे डिलीवरी पार्टनर्स ऑर्डर के बीच खुद को एक मिनट भी नहीं देते हैं और बारिश हो या धूप हो हमेशा अत्यधिक दबाव में रहते हैं और हम उन्हें उचित सैलरी देने के बजाय सेलिब्रिटीज पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। डिलीवरी पार्टनर्स को हीरो बनाना था उद्देश्य। जोमेटो ने बताया कि इस विज्ञापन की संकल्पना 6 महीने पहले मीडिया पर वर्कर्स की सैलरी, वर्किंग कंडीशन की चर्चा के काफी पहले हो गई थी। इसकी शूटिंग आज से 2 महीने पहले ही हो चुकी थी। जोमेटो का कहना है कि इस विज्ञापन का उद्देश्य डिलीवरी पार्टनर्स को हीरो बनाना था।